नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। दुर्गा सोरेन सेना की सदस्यता कार्यक्रम रामगढ़ जिले के जिला कार्यालय रामगढ़ में की गई। इस सदस्यता अभियान के मुख्य अतिथि केंद्रीय मुख्य पर्यवेक्षक सह प्रधान महासचिव बिरसा हांसदा उपस्थित हुए। सदस्यता कार्यक्रम में जिला सचिव नंदकिशोर मुंडा और जिला उपाध्यक्ष सुबोध ठाकुर के नेतृत्व में पतरातु प्रखंड के पूर्व जिला परिषद सदस्य क्रांतिकारी श्रीझरी मुंडा, देवनाथ यादव, बीरू मुंडा, रविंद्र कुमार, रोहित मुंडा के अलावा दर्जनों लोगों ने दुर्गा सोरेन सेना का दामन थामा। केंद्रीय मुख्य पर्यवेक्षक बिरसा हांसदा ने कहा कि दुर्गा सोरेन सेना आज के समय में एक बहुत बड़ा सामाजिक संगठन बनकर उभर चुका है तथा इस संगठन में दबे कुचले लोगों तथा जरूरतमंद व्यक्तियों को समुचित लाभ दिलाने के लिए कृत संकल्पित है। दुर्गा सोरेन सेना की कार्यशैली से प्रभावित होकर लोग अपने स्वेच्छा से दुर्गा सोरेन सेना का दामन थामे। क्रांतिकारी झरी मुंडा जल जंगल जमीन की लड़ाई के दौरान कई बार जेल जा चुके हैं। गरीबों के हक अधिकार की लड़ाई बखूबी से दुर्गा सोरेन सेना लड़ेगी। इसमें सभी वर्गों के लोगों को जोड़ा जाएगा। सम्मिलित होने वालों में पूर्व जिला परिषद सदस्य श्री झरी मुंडा ने कहा कि आज के समय में दुर्गा सोरेन सेना साफ सुथरी संगठन है। लोगों को दुर्गा सोरेन सेना का साथ देना चाहिए। कई लोग दामन थाम रहे हैं, इसमें से नामी गिरामी हमारे जनप्रतिनिधि रह चुके, जिला परिषद सदस्य रह चुके झरी मुंडा जी आज दुर्गा सोरेन सेना का दामन थाम रहे हैं और इनका नेतृत्व में कई साथी, कई मुखियागण इनके साथ इस संगठन में दामन थाम रहे हैं और दुर्गा सोरेन सेना का सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं इन लोगों को तहे दिल से स्वागत करता हूं। इन सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि वह दुर्गा सोरेन सेना में आ करके अपना संगठन को मजबूत करें और आने वाला दिनों में अपना भविष्य तय करेंगे कि यह जो जनप्रतिनिधि आए हुए हैं वो लोग आने वाला दिन में छोटा चुनाव से लेकर के बड़ा चुनाव लड़ने लायक हो जाए और लोगों का जन जन तक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने का काम करे और दुख सुख में शामिल हो। मैं सदस्यता ग्रहण करने का कारण है कि पतरातु प्रखंड के अंतर्गत मैं पूर्व जिला परिषद रह चुका हूं और इस बार भी चुनाव में लड़ चुका हूं, मगर जीत हासिल नहीं हो पाया, मगर जनता के बहुत प्यार मिला बढ़ चढ़ करके निस्वार्थ भाव से। और मैं उस क्षेत्र में एक क्रांतिकारी के रूप में जन मुद्दा के सवाल पर मैं लड़ते आया हूं और इस संगठन में आने के कारण है कि शायद मैं कोई संगठन से नहीं रहने के कारण लोगों के जन समस्या के समाधान करने में कहीं चूक हो जा रहा हूं और ऊपर से मेरा छत्र छाया नहीं होने के कारण भी मैं हमेशा मात खा जाता हूं और केस कुदारी भी मेरा ऊपर बहुत सा किया जाता रहा है और जेल से पिछला मर्तब मैं जिला परिषद के लिए नामांकन किए थे जो जीत हासिल जनताओं ने किया। जेल से नामांकन करने के बाद जीत हासिल हुआ और इस बार भी मेरे ऊपर जो जनता भरोसा जताए हैं कि मेरा हक और हुकूमत का जो बात करेगा और मैं उस क्षेत्र में जल जंगल जमीन का हमेशा लड़ाई लड़ते आया हूं और लड़ते रहूंगा। वहां बहुत सा उद्योग बैठा हुआ है दमनकारी नीति के तहत, इस नीति को हम जनता के हित में कार्य करने के लिए सक्षम में आने का कार्य